आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अंतराकाशीय यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। देखिए अगर इंग्लिश में देखें तो कह रहा है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल कह रहे हैं अंतराकाशीय को। कह रहा है व्हाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल के लिए ये अच्छी तरह से हमारी जानकारी में है, ऐसा क्यों है। तो देखिए इंटरस्टिशियल या अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थलों को छोटे आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लेते हैं अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल का जो जाल बिछा रहता है, जैसे मकड़ी का जाल होता है, इसी प्रकार से कोई क्रिस्टल होता है तो उसके अंदर खाली स्थान छूटे रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उनको लकीरों से मिला दिया जाए सारे परमाणुओं को तो एक जालक तैयार होता है जिसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो वहाँ जो खाली स्थान है तो उस स्थान को कह रहा है कि अगर छोटे आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लें, यानी कहने का मतलब ओवरलैप कर लें, उनको ढक लें, आच्छादित कर लें, तो उन्हीं को अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, तो कह रहा है ट्रांजिशन मेटल आर लार्ज इन साइज एंड कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स। तो कह रहा है जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं या संक्रमण धातुएं हैं ये बहुत बड़े आकार की होती हैं और इनके अंदर बहुत सारी जगह खाली पड़ी रहती है, इंटरस्टिशियल साइट यानी अंतराकाशीय जगह। जैसे आकाश में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं लेकिन उनके बीच में कितनी सारी खाली जगह पड़ी है, जैसे चंद्रमा और सूरज के बीच या सूरज और पृथ्वी के बीच कितनी ज्यादा खाली जगह है, तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट कैन ट्रैप एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, तो चूंकि खाली जगह पड़ी रहती है तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं संक्रमण तत्व हैं ये क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के तत्वों को ट्रैप कर लेते हैं यानी अपने अंदर भर लेते हैं, दैट हैव स्मॉल एटॉमिक साइज। तो इससे क्या होता है कि कह रहा है कि जो जिनके परमाणु की साइज बहुत कम है तो खाली जगह जो बची हुई है ट्रांजिशन मेटल के अंदर वहाँ पर भर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ दियर क्रिस्टल लैटिस, अपने क्रिस्टल जालक के अंदर ये छोटे छोटी त्रिज्या वाले परमाणुओं को अंदर ये रख लेते हैं। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ये बात निकल करके सामने आई। तो वही कह रहा है कि अंतराकाशीय यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भारी प्रकार से ज्ञात होते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियों यानी वायर्स में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन सरलता से संपाशित हो जाते हैं यानी भर जाते हैं। तो इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है संक्रमण धातुओं की आक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता असंक्रमण धातुओं में आक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारी ट्रांजिशन मेटल हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बार बार परिवर्तित होती रहती है, तो कह रहा है जो नॉन ट्रांजिशन मेटल हैं असंक्रमण धातु हैं उनकी आक्सीकरण अवस्थाओं में जो परिवर्तनशीलता है उससे संक्रमण धातुओं में जो परिवर्तनशीलता है किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातुओं में आक्सीकरण अवस्था +1 से 1 के क्रमिक परिवर्तन से उच्च अवस्थाओं में परिवर्तित होती है, जैसे मैंगनीज में यह +2 +3 +4 +5 +6 +7 पाई जाती है। असंक्रमण धातुओं में परिवर्तन चयनात्मक होता है
तथा सामान्य रूप से दो के अंतर से परिवर्तित होता है। जैसे क्लोरीन में परिवर्तन का क्रम -1 से +1, तो बीच में 0 भी है तो 2 का अंतर हुआ, +3 +5 +7 सब में 2 का अंतर है। तो देखें संक्रमण और असंक्रमण धातुओं में क्या आक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन की बात की जाए तो जो संक्रमण धातु है उसमें +1 से 1 के क्रमिक परिवर्तन में उच्च अवस्थाओं में परिवर्तित होती है। यानी जैसे +1 तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 जैसा मैग्नीज का एग्जाम्पल देके हमको बताया जा रहा है। जबकि यह संक्रमण धातुओं में क्या है, ये परिवर्तन 2 के अंतर से होता है। जैसे क्लोरीन है -1 से +1 हो गया, तो इसका मतलब -1 इसके बाद 0 फिर +1, तो 2 का अंतर हुआ ना। +1 से +3 में भी 2 का अंतर है, फिर 5 में भी 2 का अंतर है, फिर 7 में भी 5 2 7 होता है तो 2 का अंतर है। तो ये हमारा समझ में आया क्या अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के आयरन क्रोमाइट जो ओर है उससे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन करना है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच अगर हम बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें बताना है। तो देखिए कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आयरन क्रोमाइट अयस्क Fe Cr2O4 इसका फार्मूला है केमिकल, को जब वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है यानी डिफ्यूज किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है, या संगलित का मतलब गलाया जाता है, जैसे भी आप लोग समझ। तो यहाँ पर देखिए Fe Cr2O4 के 4 मॉलिक्यूल हैं और Na2CO3 के 8 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल ले करके इनको आपस में डिफ्यूज या संगलित किया गया तो Na2CrO4 बन गया और Fe2O3 बना और 8 CO2 के गैस के मॉलिक्यूल बने। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुई। तो सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को, ये जो सोडियम क्रोमेट को छान कर उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं H2SO4, तो इसको अम्लीय बना लिया जाता है या एसिडिक बना लिया जाता है, जिसमें से नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7.2H2O को क्रिस्टलित कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर सोडियम डाइक्रोमेट जिसका रंग नारंगी है इसको Na2Cr2O7.2H2O के फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे रिएक्शन कराई गई इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय कर देता है तो डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन कराया है। जब हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन कराए तो मामला एसिडिक होता है और जब OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कराए तो मामला क्षारीय या बेसिक होता है, इस बात को समझना है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल Na2CrO4 के एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 में बदल जाता है और 2 आयन बन जाते हैं Na+ के और H2O यानी पानी बन जाता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। अब कहानी ये बन जाती है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसकी सॉलिबिलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है। तो चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की विलेयता कम है सोडियम डाइक्रोमेट की अधिक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब कम है तो क्या करते हैं कि इसमें जो है हम पोटेशियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमको क्रिस्टल के रूप में या थक्के के रूप में नीचे मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिखाई गई है Na2Cr2O7 की पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl से रिएक्शन हुई, तो
के टू सी आर टू सेवन और दो मोल का है या मॉलिक्यूल का है यानी सीएल के बन जाते हैं। अब क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। अब क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो नारंगी रंग के क्रिस्टल हैं ये क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं यानी क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में अपनी स्थिति को इंटरचेंज कर लेते हैं यानी क्रोमेट डाइक्रोमेट के रूप में इंटरचेंज हो जाता है और डाइक्रोमेट क्रोमेट के रूप में चेंज हो सकता है। अंतरा रूपांतरण का मतलब आपस में रूपांतरित हो जाते हैं जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। अब ये क्रोमेट का डाइक्रोमेट में या डाइक्रोमेट का क्रोमेट आयन में परिवर्तन ये पीएच पर निर्भर करता है उस सॉल्यूशन के जिसमें ये उपस्थित है। अब क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम की आक्सी कण संख्या समान है। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो क्रोमेट में देखिए Cr(O)4-2 ये फार्मूला होता है और डाइक्रोमेट का Cr2(O)7-2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई तो Cr2(O)7-2 बनेगा, पानी के अणु प्राप्त होंगे, और Cr2(O)7-2 की रिएक्शन बेसिक मीडियम में जब होगी तो Cr(O)4-2 बनेगा यानी डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी पानी बनेगा। अतः पीएच बढ़ाने पर अर्थात विलयन को क्षारीय करने पर डाइक्रोमेट आयन नारंगी रंग के क्रोमेट आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा विलयन का रंग पीला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब पीएच बढ़ाते हैं, कम पीएच का मतलब एसिडिक, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 को न्यूट्रल माना जाता है। 7 से कम यानी कम बेस एसिडिक है माध्यम तो क्रोमेट हमारा डाइक्रोमेट में बदलता है और अगर बेसिक है मीडियम तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाता है। तो वही कह रहा है कि जब हम पीएच बढ़ा देते हैं तो विलयन क्षारी हो जाएगा तो डाइक्रोमेट जो कि नारंगी रंग का होता है वो क्रोमेट में बदल जाता है जो कि पीला रंग का होता है। ये फर्क है पीएच को बदलने का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट की आक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की आक्सीकरण क्रिया कैसे होती है इसका हमें उल्लेख करना है और आयनिक समीकरण लिखना है। ये जो 3 हमको दिए गए हैं आयोडाइड आयन, आयरन विलयन यानी Fe+2 की बात हो रही है और H2S की, इसको देखते हैं। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सी कारक के रूप में कार्य करता है यानी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है यानी दूसरे की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है और खुद अपनी घटा लेता है। इसका उपयोग आयतन मिति विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। तो वॉल्यूम स्टिक्योमेट्रिक में इसका प्राथमिक मानक के रूप में यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डाइक्रोमेट यानी Cr2(O)7-2 आयन एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन आयन लिया गया, 14 हाइड्रोजन आयन, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े गए तो यहाँ पर 2Cr+3+7H2O बना और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.33 वोल्ट है, यह चीज को ध्यान देना। अब आयनिक अभिक्रियाएं कैसे हुई ये रिएक्शन होने में, तो आयोडाइड आयन के साथ, अगर आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन कराएं Cr2(O)7-2 की तो 14H++6I- होगा। तो चूंकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सी कारक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या करेगा आयोडाइड आयन को ऑक्सीकृत कर देगा। तो ऑक्सीकृत करने का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ जाना, तो यहाँ पर माइनस है यानी ऑक्सीकरण संख्या माइनस 1 है और यहाँ पर 0 है तो -1 से ज्यादा होता है
जीरो यानी आकसी कण संख्या बढ़ गई, इसका मतलब आयोडाइडाइन का आकसीकरण हो गया। यही काम करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर आकसीकरण हो गया। अब आगे देखते हैं आयरन सेकंड विलयन के साथ, तो या फिर +2 के साथ, तो Cr2O7-2 +14H++6 या फिर +2। अब चूंकि प्रबल आक्सी कारक है तो जाहिर सी बात है कि Fe+2 की आक्सी कण संख्या बढ़ाएगा, तो +2 से यहाँ +3 हो गया, यानी इससे ज्यादा होगा, तो यहाँ +3 हो गया। अब H2S देखते हैं, तो H2S के साथ तो Cr2O7-2 +8H++3H2S, तो यहाँ भी Cr+3 +7H2O बन जाएगा। यहाँ पर सल्फर की -2 है, यहाँ पर क्या होगा, सल्फर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब सल्फर की भी आक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हुई, यहाँ -2 यहाँ पर 0। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, तो कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार Fe+2 SO2 तथा ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रियाओं के लिए आयनिक समीकरण लिखिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखना है, और पोटेशियम परमैंगनेट इनके साथ कैसे रिएक्शन करता है, Fe+2 SO2 और ऑक्जेलिक अम्ल के, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं, वैसे ही यहाँ भी होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी Ke-NO4, वहाँ डाइक्रोमेट था, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी Ke-NO4 बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पोटेशियम परमैंगनेट को निम्नलिखित विधियों से बनाया जा सकता है। पहला क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए MnO2 को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे आक्सी कारक के साथ संगलित किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को Mn O2, पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए जो MnO2 है इसको क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे आक्सी कारक के साथ, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, के साथ संगलित यानी डिफ्यूज किया जाता है, या यूं कहें गलाया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है। इससे क्या होगा कि गाढ़े हरे रंग का उत्पाद प्राप्त होगा K2MnO4, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। ये जो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे करके पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ MnO2 लिया हमने और KOH के साथ रिएक्शन कराई गई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो K2MnO4 बन गया है और पानी बन गया। अब MnO4-2 के साथ इसके रिएक्शन कराई गई एसिडिक मीडियम में, यहाँ बेसिक था OH था, यहाँ एसिडिक कर दिया गया, तो MnO4- बन गया और MnO2 भी बना और 2H2O बन गया। तो वही कह रहा है कि इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है जब MnO2 की KNO3 और क्षारीय हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है, क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड। तो MnO2 है, क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो K2MnO4 प्राप्त हो रहा है। जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है, तो अम्लीय माध्यम में या उदासीन न्यूट्रल मीडियम में यही असमानुपातित होकर यानी डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के पोटेशियम परमैंगनेट देता है। तो यहाँ पर देखिए MnO4-2 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई, तो MnO4- बना और MnO2+2H2O बना। अब आगे देखते हैं, कह रहा है औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरणीय संगलन के पश्चात मैग्नेट फ्लिक्स के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो अगर हमें औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना है पर मैग्नेट को, तो क्या करते हैं कि औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरण
संघनन के पश्चात मैग्नेट जिसकी आक्सीकरण संख्या 6 है के विद्युत अपघटनीय आक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एम एन ओ टू लिया गया, के ओ एच के साथ संगलित वायु या के एन ओ थ्री के साथ आक्सीकरण यानी क्षारीय माध्यम क्षारीय आक्सीकरण। तो एम एन ओ फोर माइनस टू बन गया यानी मैग्नेट आयन। अब क्या है मैग्नेट आयन जो कि एम एन ओ फोर माइनस टू है क्षारीय विलयन में विद्युत अपघटनीय आक्सीकरण हुआ यानी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो एम एन ओ फोर माइनस यानी पर मैग्नेट आयन बना। तो ध्यान दीजिए एम एन ओ फोर माइनस टू मैग्नेट आयन है और एम एन ओ फोर माइनस पर मैग्नेट आयन है, इस बात को समझना। अब आगे देखे क्या है, कह रहा है प्रयोगशाला में मैग्नीज सेकेंड आयन के लवण पर ऑक्सीडाई सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर पर मैग्नेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम एन प्लस टू पर ऑक्सीडाई सल्फेट एस टू ओ एट माइनस टू ऊपर भी आ चुका है। तो एस टू ओ एट माइनस टू हमारा पर ऑक्सीडाई सल्फेट है, इसकी रिएक्शन होती है जब पानी के प्रेजेंस में। तो एम एन ओ फोर माइनस प्लस एस ओ फोर माइनस टू प्लस एच प्लस बन जाता है। एम एन ओ फोर माइनस यहाँ पर मैग्नेट आयन है। तो इस प्रकार से पर मैग्नेट आयन बन जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो अम्लीय परम पोटेशियम परमैंगनेट की रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित। तो आयरन एफ ई प्लस टू के साथ, तो जाहिर सी बात है कि हमने ऊपर पढ़ा इसको ऑक्सीकृत करेगा, तो एफ ई प्लस टू से एफ ई प्लस थ्री बन जाता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का मतलब एच प्लस है। तो एम एन ओ फोर माइनस एच प्लस की प्रेजेंस में जब एफ ई प्लस टू रिएक्शन करता है तो एम एन प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी प्रकार एस ओ टू की रिएक्शन होती है तो टू एम एन ओ फोर प्लस टू एच टू ओ प्लस एस ओ टू, तो एम एन प्लस टू बन जाता है प्लस फोर एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू बन जाता है। तो एस ओ टू से एस ओ फोर माइनस टू बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो एम एन है तो यहाँ पर एम एन यहाँ पर एट होगा, दो है तो आठ, यहाँ पर प्लस एट होना चाहिए, यहाँ पर या तो माइनस होगा क्योंकि प्लस सेवन रहता है जनरली। तो कुल मिला के यहाँ पर एम एन प्लस टू बन रहा है यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर सल्फर की प्लस फोर ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर प्लस एट है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्लस एट नहीं है, यहाँ पर देखें ये माइनस का टू भी है ना, तो माइनस का सिक्स हो जाएगा, दो घटेगा तो यहाँ पर प्लस का सिक्स होगा। तो सल्फर की प्लस सिक्स हो गई, यहाँ पर कितनी है ये एस ओ टू में ये माइनस का फोर होगा तो ये प्लस फोर होगा। तो कुल मिला के प्लस फोर से प्लस सिक्स यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एम एन का रिडक्शन हो रहा है, ये बात निकल करके आई। यहाँ पर एम एन ओ फोर माइनस होना चाहिए, एम एन ओ फोर माइनस ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एम एन ओ फोर माइनस होगा यहाँ पर, तो ये फिर ये आठ होगा, आठ में गया सात तो ये फिर प्लस सेवन हो जाएगा। तो ये प्लस टू है यानी आप प्लस सेवन से प्लस टू यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है यानी अपचयन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सैलिक अम्ल के साथ देखें तो एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स एच प्लस प्लस फाइव ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सैलिक आयन है। तो एम एन प्लस टू प्लस एट एच टू ओ प्लस टेन सी ओ टू प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए एम एन प्लस सेवन है या प्लस टू है यानी यहाँ पर अपचयन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑक्सीकरण हुआ होगा। ये माइनस है नेगेटिव में वैल्यू, तो यहाँ जीरो या प्लस फोर स्टेज में होगा कार्बन, कार्बन तो यहाँ भी प्लस फोर होगा। कुल मिला के ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यानी ऑक्सीडेशन करा रहा है एम एन ओ फोर माइनस। तो इस प्रकार से हमने जो है 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एम एन प्लस टू से एम एन एम प्लस टू से एम और एम प्लस थ्री से एम प्लस टू निकाय के संदर्भ में कुछ धातुओं के
ई माइनस के मान नीचे दिए गए हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। एम एन प्लस टू से एम बने। ये देखिए सेल का रिएक्शन जो हम लोग लिखते थे तो खड़ी लकीर खींचते थे, यानी ये एम एन प्लस टू है तो प्लस टू से एम बना, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हुई इस तरह से। तो कह रहा है ये जो नीचे दिए गए हैं ये रिएक्शन हुई तो ये वोल्टेज है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये में ये इसमें ये दिए गए हैं। तो कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में क्रोमियम आयन या Cr+3 या Mn+3 मैग्नीज आयन की तुलना में Fe+3 का स्थायित्व। तो Cr+3 और Mn+3 की तुलना में Fe+3 कितना स्थायी है, इस विषय में हमें चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि Cr+3 से जब Cr2+ बनेगा, प्लस टू बनेगा, इसके लिए E का मान ऋणात्मक है। यहाँ पर Cr+3 से प्लस टू तो E का मान यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, इसलिए Cr+3 स्थायी है तथा Cr+2 में अपचयित नहीं हो सकता। तो चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये निगेटिव है तो निगेटिव होने की वजह से Cr+3 Cr+2 में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अपचयित होना है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 होगी। तो ऐसा घट नहीं सकता अगर घटा हुआ पोटेंशियल यानी निगेटिव में पोटेंशियल है, इसको ध्यान देना। तो अपचयित नहीं हो सकता। आप देखिए क्या कह रहा है, Mn+3 से Mn2 अगर बने तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक धनात्मक है, इसलिए Mn+3 बहुत स्थायी नहीं है तथा सरलता से Mn+2 में अपचयित हो सकता है। तो अगर अब हम Mn+3 की बात करें तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो Mn+3 Mn+2 में आसानी से बदल सकता है, यानी ये रिड्यूस हो सकता है। जो ध्यान दीजिए, जो निगेटिव है वो निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, इस तरह याद रखिए। तो चूंकि यहाँ घटा हुआ है तो घटाएगा नहीं, यहाँ बढ़ा हुआ है तो बढ़ाएगा नहीं, तो Mn+3 बने रहना पसंद करे, Mn+3 घटा सकता है अगर बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर घटा हुआ है तो ये घटा नहीं सकता, यानी ज्यादा स्थायी है। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब Cr+3 के फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा, जबकि Mn+3 Mn+2 के फॉर्म में रहना पसंद करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इसका निगेटिव है। आप देखिए क्या होता है, तो कह रहा है कि Fe+3 से Fe+2 के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम धनात्मक लेकिन छोटा है, कम धनात्मक है लेकिन छोटा है, इसलिए Fe+3 Mn+3 से अधिक स्थायी है, लेकिन यह Cr+3 2 से कम स्थायी है। तो Fe+3 से Fe+2 में इन दोनों के बीच का मान है, देखिए -0.4 है या +1.5, इन दोनों के बीच में, इसीलिए क्या है कि Cr+3 की या Mn+2 की तुलना में Fe+3 के अगर स्थायित्व की बात करें तो Fe+3 Mn+3 से अधिक स्थायी है, लेकिन यह Cr+2 से कम स्थायी है। तो इससे कम स्थायी है लेकिन इससे ज्यादा इससे कम स्थायी है लेकिन इससे ज्यादा स्थायी है Fe+3 / Fe+2 का है। तो बात समझ में आ गई क्यों है ऐसा। अब देखिए आगे कह रहा है समान प्रक्रिया के लिए क्रोमियम तथा मैग्नीज धातुओं की तुलना में आयरन के ऑक्सीकरण में सुगमता। समान प्रक्रिया के लिए क्रोमियम अथवा मैग्नीज धातुओं की तुलना में आयरन के ऑक्सीकरण में सुगमता, यानी क्रोमियम और मैग्नीज की तुलना में आयरन आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि FeCr तथा Mn के लिए ऑक्सीकरण विभव क्रमशः क्या है, +0.4, +0.9 तथा +1.2। ये FeCr और Mn की बात हो रही है। Fe का सबसे कम ऑक्सीकरण पोटेंशियल है और इन दोनों का ज्यादा है,
इसलिए इनके आक्सीकरण की सुलभता का क्रम Mn, Cr और Fe है। तो चूंकि Mn का आक्सीकरण पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो Mn सबसे ज्यादा आक्सीकृत हो सकती है, क्रोमियम का उससे कम है तो क्रोमियम उससे कम आक्सीकृत हो सकती है, और Fe का सबसे कम है इसलिए Fe सबसे कम आक्सीकृत हो सकता है। तो जितना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उतना ही आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है, ये बात निकल करके आई है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।